तो संगवारी हो, हमन पहुंच चुके हैं जूना पानी में। और ये तरफ देख सकते हो अपन, झरना वाला पानी दिखत हो ये तरफ। ये अरे मुख्य अतिथि हमारे लारा साहू जी। चलो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पानी गिरना चाहिए। पानी गिरेगा आज, रामायण पढ़ेंगे, गिरेगा, गिरना चाहिए। चलिए भाई जी, यहाँ निषाद राज गई, इसके बाद में वहाँ जाके ऊपर में बैठी। हाँ। और वहाँ जाने के बाद में डोंगा बने। और ये तरफ जो है जल पान की व्यवस्था चला थे, अभी चाय बना थे। वही को देवे। दबा 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 दबा। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी, स्वागत है आप मन के नए वीडियो में। आज हरे इतवारी 12 अगस्त का जी, 13 अगस्त आज रविवार है, इतवारी माना थे हमारे गांव में। तो आज हमन जाना था, आज हमन जावत हैं जुन्ना पानी। ये जुन्ना पानी के स्थान में जो है एक कुंड है, जहाँ सीता माता जो है भगवान राम ला पानी पिया हरी से, वो कुंड के आप ला दर्शन कराऊँ। और हो सकते सीता माता घला दर्शन हो जाए वहाँ। और आज जात है नमन पूरा रामायण। अरे भावन साहू जी बीच में बैठे हैं, बेंजो मास्टर तोरण साहू जी। अरे देवेन बड़े भैया। आओ अरे चुमन जप नाम बाबा जी। ये है जगत जगत रामदेव हरे भाचा, जय जोहार। और ये दे बड़े भैया। तो अभी हमन निकला था, 12 बज गए। तो आप मतलब जाके दिखाऊँ वहाँ कि कते वाला कुंड में जो है सीता माता भगवान रामला पानी पियारी से, मतलब भगवान राम जो है वहाँ पानी पियारी से, इसे मान्यता है वहाँ के। तो चलो चलता रहो, दिखाता हूँ आप मल्ला की वो जगह कौन सा है। तो बने रहो वीडियो में। तो संगवारी अभी हमन जो है निकल चुके हैं। और ये जो सीधा दिखा थे ये वाला जो है बेलर रोड है। और यहाँ से बस लेफ्ट में कर दो तो जूना पानी वाला जो है रोड था। यहाँ से जिला राम गमन पथ, राम वन गमन पथ कहे जाते हैं। देख सकते हो अपन ये वाला रोड जा है, ये जाते जूना पानी और जाए बेलर रोड। और पीछे हमारे गाँव पर अभी है हमारे गाँव की मंडी, ये हम धान वन बेचते हैं। और ये है वो रास्ता जहाँ से जाते जूना पानी।
तो संगवारी हमन पहुंच चुके हैं जूना पानी में। और ये तरफ देख सकते हो अपन झरना वाला पानी दिखत हो ये तरफ। और ये तरफ है हैवी ड्राइवर चुम्मन कुंजाम और भाचा है हितेश साहू जी। और एक जन हैवी ड्राइवर है कहाँ जी देख सकते हो यहाँ तक ट्रैक्टर भी आए है रास्ता बन गई है। और वही दे आते हैं हमारे गुरुदेव मन है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि कुछ बोलना चाहोगे हैं? ये मुख्य अतिथि हमारे लारा साहू जी हैं। चलो बजरंग बली महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो पहुंच चुके हैं हमन श्री राम दरबार मानस परिवार डी पर घटला के मानस पुत्र मन। और चलो आप माला दिखाते हूँ जुन्ना पानी के वो कुंड जहाँ जगता सीता जो है भगवान राम ला पानी पिहाना सर। चलिए भाई सामान को पकड़िए चलिए चलिए जहाँ माता सीता राम को पानी पिलाए उस कुंड को देखे हो नहीं आप? नहीं सर। है अभी आपको दिखाऊंगा। बोलना भाई इधर। आप देखे हो नहीं जी? देखे हो लेकिन आप कैसे नहीं देखे हैं? आप कैसे नहीं देखे हैं जी? पानी पिया। चलिए देवन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? तारकसुर महाराज जी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे जन्मदिन वाले नहीं मतलब कमेंट कर रही है भाई बहुत जन। मामू आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और मोहित भैया आपको कैसा लग रहा है? मोहित भैया आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पानी गिरना चाहिए। पानी गिरेगा आज रामायण पढ़ेंगे गिरेगा। गिरना चाहिए। चलिए तो चलो फिर आप माला ले जाता हूँ मैं। हाँ बजरंग बली जी महाराज दिखत हो आप मल्ला सामने में। ये हरे जूना पानी जय। और ये हरे अंगिरा ऋषि पर्वत आप मन देख सकते हो वहाँ सीधा। वहाँ भी आज के दिन बहुत दर्शनार्थी मन जाते हैं। और ये हरे बजरंग बली जी महाराज की मूर्ति जो बहुत पूर्व से स्थापित है। अरे बजरंग बली महाराज जी ला सब सामान वाला लाओ। अरे तरफ बहुत ही सुंदर कुटिया बनाए गए है देख सकते हो सब हैं यहाँ का। और ये है हमारे बाल मंडली अध्यक्ष प्रताप सिंह साहू जी। और सब सियान बना है आज तो कैसे लगा थे आप सब जन लग बढ़िया लगा थे ना? बहुत अच्छा कुटिया बढ़िया बना हुआ अच्छा लगा है नहीं अच्छा बना थे ना प्राकृतिक देखा दे प्राकृतिक। और ये अरे हमर तुरंधर जी उपाध्यक्ष महोदय बाल मंडी डी पर घटला के। और ये अरे बड़े भैया ललित साहू जी अपन अपन पद ला बताओ भाई। ये अरे काका हीरा लाल साहू जी हमारे कोषाध्यक्ष महोदय। और अरे हमार भजन गायक सेवा गायक कृष्णा सेन जी कुटिया बहुत जबरदस्त बना हुआ है सब सामान आ गए बिल्कुल। चलो बताओगा तुमने एक बारे में जूना पानी के बारे में बताओ। चलो रोज आते तो काहे इच्छा ले गाथो कैसे है गुगा बता दे होगा। रोज आते ते हम कामना के पूर्ण इच्छा से आते है ना। जो भी घर ग्रह में कहा सलाह है शांति ये जरूरी है गांव के लिए भी है ना। जो मनोकामना पर आवे ते है वैसे पूर्ण होते ही है। वो जम से चलत न हमार कतरो काम ल बनाए भगवान अंगर ऋषि वो पाए के हमार आना जाना लगे रहते लगे रहते। और आधा ए धागे विकास होय कह के भी चलात रहते न बनने वाला भी ऋषि धाते वो धा भी चले गए समय में ये तो पूरा यही धा बन पा रहा है। तो ऐसे ही अंगरा ऋषि जो मनोकामना मतलब जो मांग लो पूर्ण करते हैं धारण कर ही लेते हैं ऐसे टाइप के अंगरा ऋषि मनोकामना पूर्ण करने वो भावना से बात है ना। मस्त है देख कुंड भी है यहाँ जो गर्मी लग रहा है। हाँ गर्मी में भी रहते है कुंड कुंड लग। चलो जी कुंड है चलो सब जन चलो बतावे काय काय। तो चलो आप मतलब ले सकते मैं कुंड की तरफ जो कुंड में हमेशा बारह माह जो पानी रहते
ये हरे वो कुंड बताए गए भाई के यहाँ निषाद राज गई, इसके बाद में वहाँ जाके ऊपर में बैठी और वहाँ जाने के बाद में डोंगा बनाई, पसवार भी सब बने, वो समय सब खिचड़ी दूध जो भी हो पर सेवा करन भाई साधु के। अब यहाँ उसकर बाद में दूसरा तीसरा कई आते जाई जाते गई कुटीरी से पहले से आज भी यहाँ तपस्या जो आते नही जमाना के कुंड तो ये वही स्थान है जहाँ हमारे सप्त ऋषि में से एक ऋषि बाबा अंगिरा ऋषि जी महाराज के जो है तपो स्थल है। और ये है वो कुंड जहाँ से बाबा अंगिरा ऋषि भगवान राम माता सीता जो है पानी पिए रही है वनवास के दौरान। और आज हम सब घटलावासी मन आहन यहाँ हर साल आता ना मैंने इतवारी के दर्शन करे बर स्थल के साथ ही साथ रामायण के पाठ भी यहाँ होते, तो सब सियान मन पहुँचे हैं यहाँ। तो बिल्कुल आप मनाओ कबर की यहाँ भगवान रामचंद्र जी महाराज स्वयं ये रास्ता से गेरी से ये प्रसिद्धि है रे इस स्थान के। तो लक्ष्मण के मार लो बांध के कहना है पानी। अच्छा लक्ष्मण बांध, तो सियान मन बता दे कि ये पानी तब निकले रही से जब भगवान लक्ष्मण जो है बाढ़ मारे रही से है ना त्रेता युग में। तो अभी जो है एक बांध हम वहाँ जाए टोला पार और वहाँ गड्ढा हुआ है कहाँ रहा अभी भी है उसी समय के ये सब। अच्छा अब सियान हमारे दुख जाए तो क्या बताए, वहाँ से है मारी कथे नहीं पत्ते मोर ले बड़े हो था बोरा रिस कथे धान के बोरा वो सूजी डोंगरी है वो कैसे पसरा बन गई से भाई और कैसे रचा आ गई पसरा ले बता बोला रचे चीज रचा नहीं हो खा ले ऊपर फिर रचे एक ठगनो है बोला पा अब काय मोर सी 70 साल हो यहाँ से अभी ज्यादा नहीं भाई दूसरा कौन रहा। और ये तरफ जो है जल पान की व्यवस्था चलत है अभी चाय बनाते ये हरे अंगिरा ऋषि बाबा जी के तपो स्थल समाधि स्थल यहाँ से देख सकते हो आप मन तो बोलिए महाराज क्या बोलना चाहेंगे आप। क्या बोलूंगा मैं अंगिरा ऋषि महाराज आज हमार मनोकामना पूरी करे पानी वर्षा करे बहुत गर्मी है पानी गिरत नहीं है आज रामायण पढ़ कर बो सावन के महीना चलत है आओ वैसे रामायण पढ़ बो कि कल पानी गिरी छे है ना गिरना चाहिए आओ गिरी भाई भगवान की कृपा है। जूना पानी महाराज की एक जो जूना पानी है ओकर जो भंवर माछी रथ है आप तक के एक झल नीचे आवे है जो भंवर माछी का पीछे जेकर रथ है ओदे में गर्मी भर भंवर माछी रथे नहीं का मना कोई चाबी से कोई ले चाबे भंवर माछी नहीं बताए ना भाई कोई नहीं चाहते है अति प्रत्यक्ष हाँ। जब यहाँ काम करते रहे तब तब की नहीं चाहती ज्यादा काम में मन में रखते यहाँ काम के प्रभारी मोरी हाँ। में जाना था मतलब भगवान का इतना कृपा है हाँ। है नहीं कि आदमी मतलब नुकसान नहीं पहुँचा है ना तो अभी जो है प्रसाद वसाद बनाए के तैयारी चला थे वो तरफ जो है खीर वीर बना था अभी खीर पूरी सब प्रसाद बन ही आज फॉरेस्ट वाला बना है। अच्छा ये जो कुटिया देख रहे थे आप मन ये बना है फॉरेस्ट ऑफिसर कहाँ बिजनेस चिली वाला शुक्ला मैडम जो है फॉरेस्ट अधिकारी वही मन जो है कुटिया वाला बनाया है बहुत सुंदर लगा था और चल गाओ करे चल ये जगह में हुई रामायण पहुंच चुके हैं
अब सामान वाला पकड़ के। और ये हरे स्थान टंगवारी हो, ये हरे जूना पानी के तपो स्थल जहाँ बाबा अंगिर ऋषि महाराज जो है तपस्या करे। और मान्यता है कि ये जो पर्वत दिखा थे अपमला जो है अंगिर ऋषि बाबा जी वहाँ रहते, वहाँ जो है कोई अन्य ऋषि या देवता मल जो है तपस्या करे के अधिकार नहीं है। जो भी है तपस्या करना है तो ये स्थान में आके जो है तपस्या कर रही तब जो है ओकर मनोकामना पूर्ण हुई, इसे बताया जाते प्रमाण। और अभी जो है रामायण पाठ हुई तो बने रहा फिर वीडियो में, रामायण पाठ दिखाऊँ आप मल्ला, ओकर बाद प्रसाद वसाद खा के यहाँ से भगवान के आशीर्वाद पा के चलबो। कैसे गुडू? तो संगवारी हो, अब हमन जो है रामायण पढ़े पर बैठ गए हैं। और ये तरफ जो है अभी भगवान अंगिर ऋषि महाराज जी के तपो स्थल में पूजा पाठ चला थे। और हई का क्या होता है, और ये तरफ जो है भगवान बाबा अंगिर ऋषि जी महाराज के तपो स्थल में पूजा पाठ चला थे, उकर पश्चात रामायण चालू हुई। ये तरफ जो सेटअप चला थे हमारे माइक वाले भैया दे हरे, ले जल्दी जल्दी सेट कर दी, चल लगा दी, यह बढ़िया इको इको देवे।